ओम शांति। भौतिक जगत के नीले आसमान में चमकने वाले भगवान भास्कर इस समय अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और ब्राह्मण परिवार के रूहानी जगत में उदयाचल से मास्टर ज्ञान सूर्य हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो बारंबार हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी, यूपी के धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन, 1964 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और 1968 में मधुबन में आ गए और पूरा एक साल तक ब्रह्मा बाबा की पालना प्राप्त की और उसी दरमियान से आप शिव भोलेनाथ का भंडारा संभालते आ रहे हैं आज दिन तक, कि जिस भंडारे से ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन खाकर तृप्त होते हैं। तो हमारी भ्राता जी की विशेषता न सिर्फ ब्रह्मा भोजन खिलाकर तृप्त करते हैं ब्राह्मणों को, लेकिन सारे संसार की आत्माओं को ब्रह्मा भोजन के साथ साथ आत्मा का भोजन भी प्रस्तुत करते हैं और आध्यात्मिक रीति से समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। आज भी हमारे बीच में बहुत सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हैं। आज की मुरली का बहुत सुंदर गीत था, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, और सार में भी यही था, दिल रूपी दर्पण में देखना है। क्या देखना है, कैसे देखना है, वो मार्गदर्शन हम भ्राता जी से प्राप्त करेंगे। आदरणीय भ्राता जी, देखना ही है या साफ भी करना है? बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान हम सबको दिया है। इस ज्ञान की सुंदरता, ज्ञान की गहराई, ज्ञान से आई है हमारे पास अपने को देखने की शक्ति। संसार में हर व्यक्ति दूसरों को देख रहा है और बाबा के बच्चे खुद को और बाबा को, दोनों को देखने। दो बाबा हैं हमारे सामने, एक वे जिन्होंने तपस्या करके संपूर्णता को पाया और एक वे जिन्होंने तपस्या कराई। तो बहुत सुंदर ज्ञान मिला है। आप सभी ने यहाँ आकर अवश्य ये जान लिया होगा कि मुझे अपने में क्या चेंज लानी है। जान लिया या नहीं? नहीं जाना हो तो जान लें। इस भूमि पर आकर यहाँ के वाइब्रेशंस में सब कुछ दिखाई देता है। बाबा मधुबन को शुरू में एक नाम दिया करते थे, ये है शीश महल, जहाँ सब कुछ दिखाई देता है। और सच्चा ज्ञानी विवेकशील व्यक्ति वही है जो अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी को भी जान ले, है या नहीं? लेकिन बहुतों के साथ कुछ और हो रहा है। जब से ज्ञान में आए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन खड़े हैं वहाँ के वहाँ। अगर क्रोध लेकर आए थे तो क्या हुआ? चलता आ रहा है, सबकी बात नहीं है। बहुतों ने क्रोध छोड़ दिया है, अपना सुखी जीवन मिल गया है बहुतों को। आधा आधा कर लें, आधों ने अपने जीवन को बहुत सुंदर बना लिया आदर्श, और आधी आत्माएं ऐसी भी रह गई जो वहाँ की वहीं रह गई।
इसका एक मुख्य कारण बाबा सुनाते थे, योग करने के साथ अच्छी योग की शक्ति अपने में भर ली, लेकिन लीकेज हो जाता है कहीं ना कहीं, पानी भरा हो धीरे धीरे भी बहता रहे ताकि तो एक दो दिन में भी खाली हो जाएगा, तो कुछ लीकेज हो गए। और उनका पता बहुतों को चल नहीं पाया। हमें उनका ज्ञान भी होना चाहिए और अपने को देखकर ये समझ भी लेना चाहिए कि मेरी शक्तियाँ किधर को जा रही हैं। एक चीज दूसरी मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको। कल किसी का कांटेक्ट हुआ फ़ोन से, अब मैं तो फ़ोन ज़्यादा बंद रखता हूँ, किसी और को करते रहते हैं। एक बहन 15 साल से ज्ञान में, सब कुछ सुंदर था, अभी अचानक 3 मास से पति और सास को देखकर बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ ये क्या हो रहा है मुझे, वो भी कहते हैं ज्ञान ले रही हो, छोड़ो वहाँ जाना, तुम्हारा तो क्रोध बढ़ गया। मुझे याद आया बाबा ने ये रहस्य बहुत पहले बता दिया था, शायद 35 साल पहले, कि जब कलयुग का अंत आएगा तो 5 विकार फुल फोर्स में काम करेंगे। जिनके अंदर किसी भी विकार का अंश रह गया होगा वो वंश बन जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुतों के साथ हो गया, कोरोना काल में भी बहुत लोग ज्ञान छोड़कर गए, और ये होता रहा है, अब ज़्यादा होगा। इसलिए हमें अपनी कुछ कमजोरियों को बीज सहित नष्ट करना है। कैसे जलता है कमजोरियों का बीज, बोलो? हाँ, इसको ही बाबा नाम दिया बीज रूप योग से। एक ही शब्द है ये, बीज रूप, बिंदु रूप, पावरफुल योग, ज्वाला स्वरूप, ज्वालामुखी, ये सब पावरफुल योग के नाम हैं, जिसमें आत्मा बाबा से संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त करती है, चित्त शांत हो जाता है। आप एक चित्र बनाएं अपना, मुरली के आधार से कह रहा हूँ ये। कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली में एक बहुत सुंदर बात आई थी, चित्र बनाएंगे सभी, भट्टी आपकी चल रही है। हमें ये विचार करना है सबको कि अंतिम समय आ रहा है ना तेजी से, कब क्या नया सीन होने लगे कुछ पता नहीं चलेगा अब, क्योंकि विश्व परिवर्तन का समय है। कब प्राकृतिक प्रकोप जोर पकड़ जाए, कब ग्रह युद्ध होने लगें, भारत में थोड़ा भयानक रूप होगा उनका, कब क्या हो जाए किसी को अभी पता नहीं है। इसलिए एक चित्र बना लो मन में अपना, मैं ऐसे समय ये पार्ट बजाना चाहूँगी, बजाना चाहूँगा, तो उसको ख्याल में रख के हम अपने में चेंज लाएंगे। अब वो क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, देखो कुछ लोग विनाश में रोएंगे, परेशान होंगे, बाबा के बच्चे भी, ये नहीं कि वो खुश रहेंगे, बहुत परेशान बहुत होंगे। क्यों होंगे? बहुत चीज़ें युग परिवर्तन में होने जा रही हैं, छोटी घटना नहीं है। कलयुग सतयुग में बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, लोकेशंस बदलेंगी, सागर बदलेगा, आकाश बदलेगा, चांद तारे ग्रह बदलेंगे, छोटी चीज नहीं है। सागर इधर का उधर हो जाएगा, जो मुंबई के लिए बाबा कहते थे ना, ये तो डूब जाएगी, अभी नहीं डूबेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
तो क्या चित्र बनाएंगे? मुझे ऐसा अंदाज है कि ये कब डूबेगी, बोलो कब डूबेगी? नहीं नहीं अभी नहीं डूबेगी, अभी नहीं डूबेगी। जब एटॉमिक वार होंगी, परमाणु बम छूटेंगे, तो इतनी गर्मी पैदा होगी कि जो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं बर्फ के इधर और इधर, साउथ में भी और नॉर्थ में ऊपर, वो सब पिघल जाएंगे। गर्मी इतनी होगी कि उनको पिघलने में समय नहीं लगेगा, एक झटके में पानी बन जाएगा, एक आध घंटे में ही। और वो पानी जब सागर से मिलेगा तो धरती इम्बैलेंस हो जाएगी, असंतुलित। और धरती जो झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री एंगल पे, वो सीधी हो जाएगी, इधर का उधर, इधर का उधर। हो सकता है अफ्रीका और भारत के बीच में जमीन ही रह जाए, सागर ख़त्म हो जाए, अरब सागर समाप्त हो जाए, बंगाल की खाड़ी समाप्त हो जाए, तो बहुत बड़ा खेल चलने वाला है। तब होगा ये, और ये एंड में होना है। एटॉमिक वार कोई पहले नहीं हो जाएगी, उसका नाता ब्राह्मणों से है। तुम कर्मातीत बनोगे तब, बोलो बाबा के महावाक्य, तब महाभारत लड़ाई लगेगी। बीच बीच में युद्ध होते रहेंगे जैसे अब हो रहा है, लेकिन फाइनल वॉर वो एंड में होगी। तो ये धरती का परिवर्तन भी एंड में हो जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा एटॉमिक युद्ध से, छोटी चीज नहीं है वो। इतनी गर्मी पैदा होगी कि सारा आकाश जो गंदगी से भरा हुआ है वो स्वच्छ हो जाएगा, जल के सब गंदगी नष्ट हो जाएगी। सारा आकाश जिसको आजकल पॉल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण, गंदगी, सब क्लीन हो जाएगी। लेकिन ये सब काम किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? डर के बोल रही माते ऐसे कर रही हैं। किसके लिए होगा? तो सफाई होगी, लेकिन होगी हमारे लिए। स्वच्छ आकाश मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य संपूर्ण रूप तक पहुंच जाएगा, प्रकृति बहुत सुखदायी होगी। तो एक चित्र बनाएं अपने मन में, मैं कुछ संकल्प दे रहा हूं आपको, उन पर विचार करके अपना चित्र खुद बना लेना। संकल्प ये है कि मुझे विनाश काल में ये पार्ट बजाना है। रोने वाले तो बहुत होंगे, मुझे, बोलो, दुनिया रोएगी और मुझे रोतों को हंसाना है। संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे और मुझे, भाई लोग बोलो, मुझे, बड़ी बातें हो रही हैं, जरा आप कम सोचते होंगे इन बातों पे, फिर भी मैं बड़ी बातें कर देता हूँ ताकि आप सोचने लगें। संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे परंतु मुझे सबके दुख हरने हैं, मैं मास्टर दुख हर। संसार में विनाश काल में अनेक लोग मानसिक रोगों के शिकार हो जाएंगे, मुझे दृष्टि देखकर उनको राहत देनी है, मुझे अनेकों को मुक्ति का वरदान देना है। देखो क्या होगा, एक एक सीन आपके सामने रख देता हूं। धरती हिलेगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। दुबई में तो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, 149 मंजिल, सारी किराए पे चढ़ी भी नहीं, ऊपर रहने में लोग डरते हैं। मकान किराए पे ले तो लेते हैं, लेकिन जब गैलरी से नीचे झांकते हैं तो कईयों का बुरा हाल हो जाता है, सोचते हैं यहाँ नहीं रहेंगे। आपके पास तो बड़े बड़े मकान हैं ऊंचे ऊंचे, लेकिन मुंबई तो कंजस्टेड है ना,
तो वैसा नहीं दिखता जैसा दुबई में दिखेगा, वहाँ तो दूर दूर हैं थोड़े, तो एकदम नीचे देखते घबराहट हो जाती है, गिर गए मकान, कुछ लोग मर गए, कुछ दब गए, जो दबे होंगे उनका क्या हाल होगा सोचो, मर गए वो तो मुक्त हुए, लेकिन जो दब गए निकालने वाला कोई नहीं, किसी की आँख फट गई, किसी का सिर फूट गया, किसी के हाथ कट गए, अंदर पड़े हैं जिंदे। ऐसे में संकल्प करो मुझे वाइब्रेशंस देखकर उन्हें देह से मुक्त कर देना है, बना लो विजन अब ऐसी ऐसी। संसार जब विकराल काल से गुजरने लगेगा, मुझे प्रकृति को ऑर्डर देकर कुछ समय के लिए शांत करना होगा। चुन लो अपना पार्ट, क्या करेंगे चुन लो, सारे काम तो सबसे नहीं होंगे, एक एक काम चुन लो अपना। तो ऐसा संकल्प करो मैं ग्लोब के ऊपर खड़ी हूँ, खड़ा हूँ, और नैनों से मस्तक से किरणें निकल कर फैल रही हैं, और जहाँ तक पहुँच रही हैं वहाँ तक सभी दुखों से मुक्त हो रहे हैं। चित्र बना दो मन में, ये करना है मुझे, पसंद है। अब जो मैं पहले बात की थी, जो बाबा की मुरली में अभी अभी आई है, अपना भविष्य का चित्र बनाओ कि मैं कहीं भी हूँ, छत पर, पहाड़ी पर, ग्लोब पर, मेरे अंग अंग से गोल्डन किरणें फैल रही हैं। गोल्डन किरणें होती हैं प्योरिटी की, अंग अंग से गोल्डन किरणें फैल रही हैं, नैनों से मस्तक से गोल्डन किरणें आगे फैल रही हैं, सिर पर लाइट का ताज है, मुझे इस रूप में लोग देख रहे हैं, मैं कहीं हूँ और मुझे इस रूप में लोग देख रहे हैं। रोज एक बार बना लेना, मेरा स्वरूप 10 साल में, 8 साल में समय दे दें, ये होगा, ये हमारी बहुत सुंदर स्थिति होगी। और इस धरती पर कुछ ही समय में पुरुषार्थ की ऐसी लहर चलेगी, बाबा का ये महान यज्ञ महान है ना, ये तपस्या कुंड बन जाएगा, यहाँ की तपस्या, यहाँ के निकले हुए वाइब्रेशंस यज्ञ सब हो गए, आप भी यज्ञ हो गए, इनसे निकले हुए वाइब्रेशंस जग का कल्याण करेंगे, गंदगी का विनाश करेंगे, दोनों काम होंगे। जब स्वच्छ दुनिया आनी है तो गंदी दुनिया जाएगी भी, कोई कहे कि विनाश तो नहीं होना चाहिए, यही दुनिया स्वर्ग बन जाए, ये नहीं होगा। कलयुग के अंत में पापियों की अति है, पुण्य आत्माएं कम हैं, तो पुण्य आत्माओं के द्वारा बड़ा कार्य इस सृष्टि पर होगा। क्लियर है जो मैं कहना चाहता हूँ? अपना विजन बना लें, अपना चित्र बना लें, अब उसे ध्यान में रखते हुए अपने को देखें। मेरे में क्रोध का अंश है, तो शक्तियाँ बहती रहती हैं, बहेंगी या जमा होंगी, क्रोध अग्नि है। किस किसने बहुत छोड़ दिया है क्रोध, हाथ उठाओ जरा, जिसने बहुत छोड़ दिया, पूरे की बात हम नहीं कर रहे, ऐसे कर दो तो अच्छा लगे सीन, वाह देखो बाबा के बच्चों की सभा में ये सीन हो सकता है, दुनिया में अगर हाथ उठवाएं तो ऐसे ऐसे करेंगे लोग, क्योंकि छोड़ने का लक्ष्य नहीं होता, छोड़ने की विधि नहीं होती। कोई समझते भी हैं कि क्रोध बुरा है पर उसे छोड़ेंगे ऐसे, ये पता नहीं है। और सूक्ष्म में चेक करेंगे अपने को, दर्पण अपने पास है, काम को मैंने कहाँ तक जीता है, ये वासना है, युगों से आत्मा में और शरीर में समाई हुई है, ये काम वासना शरीरों में भी है तो ये आत्मा में भी है, मन बुद्धि में है, ये प्रकृति तक पहुँच गई है, वातावरण में भी, जिसको बाबा कहा करते हैं, संसार में काम की आग लगी हुई है,
मुझे इस अग्नि को बुझाना है। चाहेंगे बुझाना, फायर ब्रिगेड बन जाएं, ऐसे शीतल हो जाएं कि जहाँ हम जाएं वहाँ ये काम की अग्नि बुझने लगे, इसको बुझाना है। तो चेक करेंगे मेरी कोई सूक्ष्म इच्छा बाकी तो नहीं है। काम से दूसरी चीज़ जोड़ते हैं बाबा, बहुत खुले नहीं बोलते रहे बाबा, वो मैं बोल रहा हूँ। काम जीतने के बाद काम की सूक्ष्म इच्छाएँ बाकी रह जाती हैं, उनको समाप्त करना है। संकल्प करें अपने से बहुत अच्छे, बाबा को वचन दे दें, तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे सत्मार्ग पर आ गए, तुम्हें वचन दे दिया प्योरिटी का, दे दिया या नहीं, अब इसको हम पूरा निभाएंगे। एक बार जिस मार्ग पे चल पड़े पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। संकल्प करें अच्छे अच्छे, हमारे संकल्पों में ही तो बहुत बड़ी पावर है। चेक करें अपने को और चेंज करें, अपनी महानताओं को भी देखेंगे, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को भी देखेंगे। और एक सुंदर रहस्य है इसमें, जो जितने अच्छे स्वमान में रहते हैं उनको अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का उतना ही ज्ञान होता जाता है। जिनके स्वमान का लेवल महान नहीं है वो अपने को ठीक समझते हैं, अहंकार रहेगा पर उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम में अहंकार भी है क्या। दूसरों को डांटते रहेंगे पर रियलाइज नहीं होगा कि हम बहुत गलती कर रहे हैं। दूसरों के लिए बुरी भावना रखेंगे और खुद दुखी होते रहेंगे, कहेंगे लोग मुझे बहुत दुख देते हैं, ये पता ही नहीं चलता कि मेरे दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ। सच तो यही है। दर्पण मिला बाबा से, क्या मिला, जो कुछ जिसके साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो आत्मा स्वयं है। स्वीकार कर ले सत्य को। देखो आजकल इस संसार में एक समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, आप लोग कई उससे गुजर रहे होंगे परिवार, डिवोर्स, तलाक। आपने अपने बच्चों की शादी की, 6 माह से 1 साल में वापिस आ गई लड़की, बहुत बुरा हो जाता है ना, बहुत बुरी घटनाएं हो रही हैं। काम वासना भी बढ़ी हुई है, अभिमान भी बढ़ा हुआ है, ईगो के कारण कोई भी झुकना नहीं चाहता, दोनों में से पता ही नहीं चलता किसकी गलती है। दोनों में से एक भी झुक जाए तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है या नहीं, एक भी। लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं चलता कि वो भी कहीं गलती कर रहा है, हमें ये पता चलना चाहिए। जिसको अपनी कमजोरियों का आभास हो जाएगा और जो उसको चेंज करते चलेंगे, उनके अपने पास भी सुख शांति और परिवारों में भी सुख शांति रहेगी। तो समय अनुसार ध्यान देना है, हमारा क्रोध जरा भी बढ़ न जाए। कारण तो बढ़ते जाएंगे क्रोध दिलाने वाले, क्रोध अग्नि है, इससे स्थिति बिगड़ती है और घरों का माहौल भी बिगड़ता है। अपने अपने घरों को, सभी को क्या बनाना है, तीर्थ बनाना है, बहुत अच्छा शब्द है ये, अपने अपने घरों को तीर्थ बनाना है। किसी भी तीर्थ पे कितने इष्ट देव देवियां होती हैं, एक तीर्थ पे कितने होते हैं, एक, चारों धाम है भारत में, एक एक पे एक एक ही है ना, कहीं विष्णु कहीं शिव।
गंगा का बहुत बड़ा मेला लगता है हरिद्वार में, एक गंगा देवी, एक एक है ना सारी। आपके महाराष्ट्र में तो बहुत देवी है, देवता हैं, अष्ट विनायक भी हैं। बिरसे जी ने पूछा, बॉम्बे का ही एक बड़ा व्यक्ति आया था हमारे यहाँ शिविर में, तो पूछा है, दो प्रश्न मैंने बहुतों से पूछ लिए, कोई इनका उत्तर नहीं दे पाया मुझे। कहा शंकराचार्य से मैं मिला, उससे भी पूछा, मुक्ति में आत्मा कहाँ जाती है, उल्टे सुलटे उत्तर हैं। और दूसरा, गणेश तो एक था ना, शिव शंकर का पुत्र, ये आठ विनायक कहाँ से आ गए। कहा मैं, मेरे मन में प्रश्न उठता है, वो व्यक्ति बड़ा था सेशन जज, उसका लड़का वकील था, दोनों ही मेरे पास आए थे और ये प्रश्न पूछे। मैंने कहा दोनों के उत्तर बड़े सहज हैं, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। ज्ञान दो तीन दिन में तो वो ले चुके थे, मैंने और आगे बताया, तो ये अष्ट विनायक कौन है, अष्ट रतन। इनमें से एक इम्पोर्टेंट रहस्य ये है कि एक आत्मा एक तरह के विघ्नों को नष्ट करती है, दूसरा अष्टरतन दूसरे तरह के विघ्नों को नष्ट करेगा, तीसरा तीसरे तरह के। तो आठों ने आठ ले लिए अपने अपने सब्जेक्ट, अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पे। शिव के पुत्र हैं सब, संसार की महान आत्माएं हैं। तो अपना लक्ष्य, अब आगे चलें, जो आत्मा अपना लक्ष्य जितना महान बनाएगी, उसको अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का आभास उतना ही होगा। और ये तो सब जानते हैं कि कमजोरियों को जानना ही काफी नहीं है, जानने से तो निराशा आ जाएगी, अरे मेरे में इतनी बुराइयां हैं, ये नहीं, हमें उनको निकालना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत महान है। अपने लिए भी लक्ष्य महान है और संसार को देने के लिए भी लक्ष्य बहुत महान है। जो मैंने चर्चाएं की, मैं बहुत सुनाता था क्लास में हंसी हंसी की बातें, माताओं के घर में लोग आएंगे, अभी तो वो आपकी ग्लानी करते हैं, कहाँ चली गई, फिर आएंगे दुखी होकर, मेरे सिर पे हाथ रख दो। सुना है आपको भगवान मिला है, सिर पे हाथ रख दो। अब आपने हाथ तो रख दिया लेकिन उसको शांति नहीं मिली, तो क्या कहेगी, हाथ रख दे और चित शांत हो जाए तब तो मजा आएगा ना। ऐसे भी लोग आएंगे सेंटरों में, जहाँ अच्छा वो है आने लगे हैं, हमें अपने यहाँ 15 मिनट बैठने दो। घरों में भी पहुँचेंगे लोग, बाबा के रूम में बैठते हैं लोग, हमें बैठने दो यहाँ, क्योंकि आजकल सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, जीवघात की प्रवृत्ति, मर जाओ। किसी की एक ऐसी घटना, एक छोटी सी कमजोरी, उसमें इससे तो मैं मर जाऊँ, पता नहीं क्या था, आज ही तो आई मेरे सामने, बहुत छोटी सी, मैंने उसको कहा ये बात तो बहुत छोटी है, इसके लिए तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं, इस बात को ही मार दो ना। छोटी सी बात थी, कोई ऐसी लड़ाई हो जाती कि इससे या क्या था। तो इतने कमज़ोर लोग हो चुके हैं कि उन्हें एक ही संकल्प आता है, मर जाओ, मर के सुखी हो जाएंगे, बाकी तो आगे पता नहीं कि मर के सुखी नहीं होते हैं। तो हमें एक महान लक्ष्य को सामने रखना है, क्या बनना चाहेंगे सभी, विजयी रतन या आठ की माला में आना चाहेंगे, हैं आठ के कोई उम्मीदवार या विजय माला के उम्मीदवार, एमपी से भी बड़ा इलेक्शन है, थोड़ा सिलेक्शन भारी होगा। एक महान लक्ष्य बनाए, देखो लक्ष्य का छोटा छोटा स्वरूप भी दे सकते हैं, जिससे हमें अपनी कमियों का आभास होगा और हम आगे बढ़ेंगे, कमियों का आभास होगा उन्हें निकालेंगे। विधि बाबा ने बहुत सारी बताई है, अशरीरी होकर बार बार अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा पीसफुल हूँ शांत, क्रोध छूटता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, शांति बढ़ेगी क्रोध छूटेगा। आपने लक्ष्य बना लिया, देखो लक्ष्य ऐसे बनाएंगे आप, मैं एक छोटी सी विधि दे रहा हूँ आपको, जिससे सदा जीवन में उमंग उत्साह भी रहेगा
और आगे बढ़ने के अच्छे अनुभव होंगे। लक्ष्य बना लो 3 मास मुझे बहुत खुश रहना है, पुरुष योग करना है वो अलग चीज़, पर मुझे खुश रहना है। अब आपको पता चलता जाएगा खुशी कहाँ गुम होती है, चलेगा या नहीं। जब आप दिन में 2-4 बार याद कर लेंगे कि 3 मास मुझे खुश रहना है, तो पता चलेगा मैंने किसी का परचिंतन कर लिया, खुशी गायब हो गई है। उससे पहले परचिंतन घंटों करते थे, पता नहीं चलता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं माताओं को बहुत हंसी करता हूँ, कभी बुरा ना मानना, सवेरे योग में जाएंगी तो भी बात करते हुए, योग के बाद घर लौटेंगी तो भी बात करते हुए। मैंने कहा माताओं के पास समाचार बहुत हैं, भाइयों के पास नहीं होते इतने। ये मैं हंसी की बात बताई, सभी नहीं करते, कोई कोई करते हैं। मन भारी हो जाता है तो सुना देते हैं ना, मेरी बहू ऐसे करती है, बच्चे ने ऐसे करते हैं, एक दो को सुना के। माता एक दूसरे की गुड फ्रेंड हैं, सुना के सुन के मस्त हल्के हो गए है तो ये भी अच्छा, परंतु इससे आत्मा कमज़ोर हो जाती है। तो आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे बहुत खुश रहना है, आज आपने देखा खुशी गुम हो गई है, आपको ख्याल आएगा क्या हुआ, फलाने व्यक्ति ने बुरा बोला था, उसका असर हो गया है, मेरी खुशी चली गई, तो मुझे क्या करना चाहिए, विचार चलेगा। बुरा बोलने वाला बुरा बोलना नहीं छोड़ेगा, तो मुझे अपनी खुशी क्यों छोड़नी चाहिए। इसी हॉल में बाबा ने किसी को कहा था, तब से मुझे वो याद है। बाबा आए थे यहाँ, सब मधुबन वाले मिल रहे थे, केवल मधुबन वाले, बहुत मिले मधुबन वाले, पर्सनल मिलते थे उन दिनों। एक आत्मा आई, आते ही बाबा की दृष्टि भी नहीं ली और कहा बाबा लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। बाबा उसको दृष्टि दे रहे, वो दृष्टि नहीं ले रही, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। सुन ली बाबा ने उसकी और फिर ये कहा, जब वो अपना काम नहीं छोड़ते, तुम अपना काम क्यों छोड़ती हो, अपनी स्थिति क्यों छोड़ती हो। मुझे तब से याद है वो, बहुत काम आई ये बात, बात बहुत साल पुरानी है, 45 साल हो गए होंगे। तो आपका चिंतन चलेगा। वो व्यक्ति तो बोलता है, मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, पति पत्नी है। अब पति बुरा बुरा बोलता रहता है, अब बहन की स्थिति तो बिगड़ती रहेगी ना, कोई सारा दिन ही बोलता रहे। लेकिन अगर आपने लक्ष्य बना लिया मुझे इसके कारण अपनी खुशी नहीं खोनी है, तो प्लान बनाएंगे ना। अब वो बोलना नहीं छोड़ रहा है, वो आपके पीछे लगा हुआ है, हिसाब किताब भी तो है ना, तो आप सोचेंगे मुझे हल्का रहना है। 10 साल से यही बातें तो सुनती आ रही हूँ, अब उसकी नेचर मुझे समझ में आ गई है, मुझे हल्का रहना है, मुस्कुरा देना है, खुशी को खोना नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे ना। तो उसका बोलना, ये बात ध्यान से सुनेंगे सभी, उसका बोलना कमजोरी है ना उसकी, और हम बने शक्तिशाली, तो उसकी कमजोरी को हमने अपना बल बना दिया। ये अभ्यास सब हर जगह करेंगे, दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो, मजा आ जाएगा जिंदगी में। कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपके पीछे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल आप सोच लो मुझे अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है, देखो कितना बल आएगा। एक ही संकल्प बहुत बड़ा बल देगा। ये व्यक्ति निंदा करता है, मेरी आलोचना करता है, लेकिन संकल्प किया जा सकता है जितनी ये आलोचना करेगा उतना ही मुझे आगे बढ़ना है, इसकी आलोचना मेरे लिए ऐसा काम करेगी, पीछे से कोई धक्का दे रहा हो भागो आगे, हम भागेंगे। संकल्प चेंज करो। और कोई संकल्प करता रहे, बहुत बोलता है ये व्यक्ति, मैंने इसके लिए कितना अच्छा किया, मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं मैंने इसके साथ कैसा कर्मों का नाता जोड़ा है, सोच सोच के कमज़ोर हो जाएंगे।
सोच के कमजोर नहीं होना है, अपने सोच को इतना शक्तिशाली बनाना है कि उसकी कमजोरियां हमारी शक्ति बन जाए। पसंद है ये विचार? तो अगर लक्ष्य रख लें कि मुझे 3 मास खुश रहना है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो अनेक चीज़ों का आभास हो जाएगा। कहाँ हमने निगेटिव सोच लिया जो आज खुशी चली गई। खाना बनाया था बहुत अच्छा, मेहमान आए थे, 2-4 ने अप्रिशिएट किया, लेकिन एक ने ये भी कह दिया मज़ा नहीं आया। अब ये सुन के हमारी खुशी चली गई, थकान हो गई, मुर्गी अपने जान से गई, खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया, न जाने क्या क्या सोचने लगे। हमने कितने प्यार से बनाया, कितना प्यार था, इन्होंने तो सब पानी फेर दिया और मूड ऑफ करके बैठ गए। तो पता चलेगा ना कहाँ खुशी गई, उसको ठीक करेंगे। बस ठीक करना लक्ष्य होना चाहिए। और एक ही बात समझ लें कि संकल्प बदल देंगे तो स्थिति बदल जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, अपने संकल्पों को ठीक कर लेना होता है। अब ये जो मैंने भोजन का उदाहरण दिया, इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे कि हमने भोजन बहुत अच्छा बनाया, 5 लोग खुश हुए थे, हमने प्यार से बनाया। अब ये खुश नहीं हुआ, हो सकता है इसकी जीभ का टेस्ट ही खराब हो, आज पत्नी से लड़के आया हो, इसलिए खाना ही अच्छा लग रहा है इसको। अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। एक संकल्प कर लो, बातें आएंगी और चली जाएंगी, मुझे स्थिति को जाने नहीं देना है। चिंतन करना इस पे बहुत अच्छा। और ये बात पक्की तरह समझ लो, हमारे एक एक संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है एक एक संकल्प से। आप ये संकल्प कर लिया, मुझे अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है, तो ये संकल्प ही आपको स्थिर कर देगा। और आपने क्यों शुरू कर दिया, ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ये क्यों, क्या कहता है बाबा क्यों के लिए, हैं? नहीं, क्वेश्चन की लाइन तो लगेगी। बाबा एक छोटी सी बात कहते थे, क्यों का जो मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है, फुल स्टॉप सीधा, कहीं तो बिंदी है, तो टेढ़ा हो जाएगा सब खेल, टेढ़ा हो जाएगा, स्थिति टेढ़ी हो जाएगी। तो कुछ चीजें लक्ष्य बना लें आप, और 3-3 मास का बनाएं। मुझे 3 मास ये करना है, ये नहीं करना है, मुझे अगले 3 मास ये करना है, ये नहीं करना है, तो पता चलेगा कि आत्मा में सूक्ष्म कमजोरियाँ बहुत सारी हैं, वो निकलती जाएंगी। अगर हमने उनको निकाला नहीं, उनकी हमें पहचान नहीं हुई, तो वो कब निकलेंगे? निकलेंगे तो ज़रूर, आत्मा को पावन बन के ही घर जाना है। तो वो अंत के समय हमें बहुत कष्ट देंगी, फिर विदाई लेंगी। वो विदाई कष्टदायक होगी, वो सुखदायक नहीं होगी। मान लो किसी में मोह बहुत है, अब मोह तो सब में ही होता है, पर किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने ऐसी माताएं देखी बड़ी आयु की, मोह से बहुत बाहर आ गई हैं। और कई ऐसी माताएं देखी कि उनके परिवार जो बढ़ते जाते हैं, तो मोह का जाल भी बढ़ता जाता है। अब मोह बहुत है, निकलेगा तो ज़रूर निकलेगा, या साथ लेके जाएंगे? निकलेगा, मोह को साथ तो नहीं ले जाना। तो अंत में बड़ा कष्ट देकर सूखेपन से जीवन की खुशी को छीनते हुए विदाई लेगा, और अंतिम समय जब आएगा देह छोड़ने का, तब बहुत उलझन हो जाएगी आत्मा को, क्योंकि जहाँ भी मोह होगा वो इस आत्मा को शरीर से निकलने नहीं देंगे। और अंत में जो आत्मा शरीर से निकल नहीं पाएगी, बाबा तो फट से जाएगा ना, अभी इधर वाले उलझे हुए शरीर में,
तो उन्हें बहुत कष्ट होंगे यहाँ, और वो कष्ट भी लंबा काल चल सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए उन्हें समाप्त करने का लक्ष्य बना लें। हमें पता होना चाहिए, कुछ कमजोरियों को हम संकल्प से निकालेंगे, कुछ कमजोरियां योग बल से निकलेंगी, कुछ स्वमान से निकलेंगी, कुछ अशरीरीपन से विदाई लेंगी। हमें ये बहुत अच्छी तरह पता हो जाएगा जब हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। मान लो आपने स्वमान ले लिया है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बहुत सूक्ष्म बहुत गहरा स्वमान है ये। नशा अलग चीज़ होती है जिसमें बहुत ऊंचाई है, और मैं विश्व कल्याणकारी हूँ ये चित्त को शांत तो निर्मल करने वाला है, तो मुझे सबका कल्याण करना है। जब ये संकल्प रहने लगेगा तो पता चलेगा मन में कहाँ नफरत है, कहाँ ईर्ष्या है, कहाँ वैर भाव है, कहाँ निगेटिव फीलिंग्स हैं किसी के लिए। तो संकल्प आएगा इनका ही तो मुझे कल्याण करना है, तो इनके लिए मैं वैर भाव कैसे रख सकती हूँ। जब वो दुखी होंगे तो उनके दुख किसे हरने पड़ेंगे, मुझे। बाबा हमें निमित्त बनाएगा ना यहाँ। जब वो बहुत कष्टों में आएंगे, विघ्नों में आएंगे, तो उनके विघ्न हमें ही दूर करने होंगे, तो मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ये स्मृति आत्मा को बहुत अच्छी फीलिंग्स देगी, रियलाइजेशन कराएगी। तो एक ओर अपनी महानताओं की स्मृति और दूसरी ओर अपनी कमजोरियों का आभास। वैसे मनुष्य नफरत रखता है, किसे बदले लेने का भाव रखता है, उससे उसकी स्थिति बिगड़ी रहती है। इसकी पहचान हो जाएगी तो बदले के भाव को क्षमा भाव में, नफरत के भाव को प्रेम भाव में बदलते चलेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो ये है हमारे पास ज्ञान का दर्पण, जिसमें हम अपने को देखेंगे और बदलते चलेंगे। समय तेजी से बदलता जा रहा है, बदलता जाएगा। जैसे कोरोना अचानक हुआ था, अचानक का खेल बहुत चलेगा। बाबा ने तो सावधान किया हुआ है ना, याद है ना, अचानक और एवर रेडी। एवर रेडी का देह छोड़ने की बात नहीं होती, अचानक जो कुछ हो गया उसका सामना करने के लिए हम तैयार हों। अचानक किसी की मृत्यु हो गई, बहुत खेल चला पीछे, कुछ आत्माएं उसको सहन कर पाई, कुछ सहन नहीं कर पाई। बाबा के बच्चों को भी कड़वे मीठे अनुभव सब आए। तो अचानक कुछ भी होता रहेगा, हमें अपने को तैयारी का अर्थ है भरपूर करना है, ताकि हमें संसार से जाना पड़े। अगले जन्म में तो पुरुषार्थ की मार्जिन नहीं रहेगी, अब जाना पड़े तो हमारे भंडारे भरपूर हों, हमारा भाग्य का सितारा चमक रहा हो, आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो गई हो कि जो बाबा से पाना था वो हमने पा लिया है। तृप्त हुए, दिल से आवाज निकले, बाबा आपको पाकर हम तृप्त हुए, आपसे सब कुछ मिल गया। दिल की आवाज निकलती रहे, इसको अपना लक्ष्य बना लें, तो छोटे छोटे परिवर्तन करेंगे। सांसारिक बहुत इच्छाएं मन में रहती हों, कम करते चलें। गृहस्थ में रहते हैं आप बहुत सारे भाई बहने, गृहस्थ में अनेक बातें हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, और इस समय अंतिम समय में आपके साथ में वही आत्माएं आई हैं। कौन सी? जिनका कर्मों का खाता ज्यादा है। आज कुछ लोग मिलने आए दिन में, अभी अभी 2 बजे,
मैं 2 बजे किससे मिलता तो नहीं था, और आए बेचारे, बड़ा ग्रुप था तो मिलना हुआ, सभी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, एक माता के 2 बच्चे, दोनों को ही मानसिक रूप से बहुत कमजोरी, मानसिक रूप से बहुत कमजोर, तो माता जी बेचारी दुखी। 20 का ग्रुप था, 20 में से 10 की बड़ी बड़ी समस्याएं थी, मानसिक रोगों से जुड़ी हुई समस्याएं सब। मैंने उनको भी कहा और आपको भी कह रहा हूं, इन चीजों को स्वीकार करके उसका उपचार करें। अब कुछ चीजें ऐसी हैं भाई बहनों को समझ में नहीं आता कि करें क्या, जैसे इस माता के 2 बच्चे छोटे, एक तो शायद 5 साल का, एक 8 साल का होगा, जो 5 साल का उसको पूरा दिखता भी नहीं, ब्रेन बहुत वीक, जो 10 साल का है उसका भी ब्रेन वीक, पढ़ाई लिखाई होती नहीं उससे, चेहरे पर उसके आया हुआ था सब। एक लड़की 22 साल की हो गई लेकिन 5 साल जैसी है, ये भी बहुत कुछ हो रहा आजकल थोड़ा थोड़ा, कि ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ, अब वो इतनी भोली है उसे पता ही नहीं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, कठिनाई हो जाती है ना माँ बाप के लिए। तो इन सब समस्याओं का समाधान अच्छे योग से और एक संकल्प अपनी शांति के लिए रख ही लेना चाहिए कि इन आत्माओं से ये हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, वो लेने आ गई है, हमें प्यार से चुकतू कर देना है। क्योंकि जितनी अपनी स्थिति अच्छी रहेगी उतना ही खाता जल्दी चुकतू होगा। तो मैंने उनको उनके ब्रेन को एनर्जी देना, क्षमा याचना करना, 1 घंटा रोज उनके लिए योग करो, चित्त को शांत करके ये उपचार करो, तो ये सब करने से उनकी स्थिति सुधरती जाएगी और खेल अच्छा होता जाएगा परिवार में। नहीं तो 3 बच्चों को देखकर न माँ को खुशी न बाप को खुशी, पैसा बहुत, बिजनेस बहुत अच्छा, लेकिन जीवन का आनंद नहीं। स्वीकार करना, निर्भय होना, अटेंशन देंगे आने वाले विकराल समय के लिए, निर्भयता बहुत आवश्यक होगी, निर्भयता। और इसके लिए रोज सवेरे 5 बार भी संकल्प कर लिया करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, छुपा हुआ जन्म जन्म का भय भी निकलता जाएगा, लेकिन करना है ये काम उठते ही। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, अपने को अभी से तैयार करते चलें, जो कुछ होगा वो तो होगा। अब गृह युद्ध के पक्के बीज भारत में पड़ते जा रहे हैं, आप पिछले हफ्ते की घटनाओं से समझ गए होंगे भाई लोग, तो पिछले हफ्ते की घटनाएं ही ऐसी हो गई। तो गृह युद्ध के बीज पावरफुल पड़ते जा रहे हैं और वो होना है, इसलिए स्वीकार करके अपनी स्थिति को निर्भय और अचल अडोल बनाना है। क्यों हो रहा है, ये लोगों को क्या हो गया है, ये सरकारें क्या कर रही हैं, ये सब सोचने से काम नहीं चलेगा, होना ही ये है। स्वीकार करना और ज्ञान के चिंतन के द्वारा अपनी खुशी को बढ़ाए रखना बहुत जरूरी है। समय के अनुसार ज्ञान, जो बाबा रोज मुरलियों में अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, रोज की जो साकार मुरलियाँ हैं वो कम नहीं हैं, बहुत सुखदाई हैं, बहुत गहरा ज्ञान है उनमें, उनसे नशे की और खुशी की बातें निकाल कर उनको दिन में 2-4 बार याद कर लो। याद करने से ही खुशी और नशा चढ़ता रहेगा और बहुत अच्छे अनुभव होते जाएंगे। तो बस ऐसे अपनी तैयारी करेंगे, कमी जो भी है उससे परेशान होने की बात नहीं, योग बल से ज्ञान के द्वारा उसको समाप्त करना है।
संस्कारों को भी अपना बदलना है और उसकी सहज विधि है योग के साथ साथ, आपको विधि भी पता हो। बहुत चीज़ों को ठीक करने की विधि है पांच स्वरूपों का अभ्यास। पांचों में स्वमान भी हैं, स्मृतियाँ भी हैं, पांचों स्वरूप प्योरिटी के स्वरूप हैं हमारे। उससे संस्कार भी बदलेंगे, जीवन बदलेगा। उस पर बहुत ध्यान देंगे सभी। बस अब तो इतना ही, मुझे दूसरी जगह कहीं जाना है। इच्छा तो थी योग भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी घटना आज हो गई तो मुझे नीचे जाना पड़ रहा। हमसे ये क्लास मिस हो गया, कोई ग्रुप आया हुआ, हमारी गलती से हुआ। बेचारे बड़े दुखी हो गए। आओ, ज़रूर आओ। मैं अभी जाऊंगा, आधा पौना घंटा क्लास करा के फिर आऊंगा। इसलिए आपसे विदाई लेते हैं। ओम शांति। भ्राता जी हमारे बीच से छुट्टी लेंगे, नीचे पहुंचना है उनको। हम